Please like and subscribe the channel. Press bell icon to get the latest Hello information. Everyone. Welcome to our channel. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कमिंग गेट के एग्जाम के बारे में. आप सभी को पता होगा कि रोल नंबर आ चुके हैं और गेट का एग्जाम है फरवरी के अंदर. तो अब आज हम उसी के बारे में बताएंगे आपको कि लास्ट मिनट नोट्स कैसे आपको रिवीजन करनी है, कैसे आप उसको क्लियर कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक है. इस लेक्चर से हर बार दो क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं. ये देखिए, पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है. इट इज़ कॉल्ड इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर. ये कंट्रोल करता है एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर पे. नेक्स्ट थिंग आती है ऑपरेटिंग सिस्टम. हमारे पास दो टाइप का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर लाइक विंडोज, लिनक्स. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या होती हैं, प्रोसेसेस होती हैं. प्रोसेसेस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं. प्रोसेस क्या है, कोई भी प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस. प्रोसेस क्या है, एक हैवी वेट लाइक एमएस वर्ड है. ये क्या है, एक प्रोसेस है. लेकिन स्पेल चेक, सर्च, हेल्प, ये सारे क्या कहलाते हैं, थ्रेड कहलाते हैं. थ्रेड बेसिकली है क्या, थ्रेड इज ए बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन विच कंसिस्ट प्रोग्राम, काउंटर, स्टैक, ट्रैप आईडी, रजिस्टर. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. थ्रेड क्या करता है, एक होती है हमारे पास प्रोसेस स्विचिंग, एक होती है थ्रेड स्विचिंग. थ्रेड स्विचिंग जो होती है वो इंटरेक्ट नहीं करती ओएस के साथ. थ्रेड स्विचिंग डज नॉट इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम. लेकिन प्रोसेस स्विचिंग नीड इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम. थ्रेड क्या करता है, शेयर करता है सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स. ये होता है थ्रेड्स. एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है हर बार कि थ्रेड बेसिकली है क्या. ये देखिए, थ्रेड बेसिक यूनिट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी बेसिक यूनिट ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन विच कंसिस्ट प्रोग्राम काउंटर, स्टैक, टेम्परेरी या फिर ट्रैप आईडी, रजिस्टर. प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. थ्रेड है क्या, इट इज कॉल्ड लाइट वेट प्रोसेस. थ्रेड स्विचिंग डज नॉट इंटरेक्ट विद ऑपरेटिंग सिस्टम. और क्या करता है थ्रेड, ऑल थ्रेड्स कैन शेयर सेम डाटा या सेम सेट ऑफ ओपन फाइल्स. ये क्वेश्चन अराइज होता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड. प्रोसेस स्विचिंग नीड्स इंटरेक्शन विद ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन थ्रेड स्विचिंग को रिक्वायरमेंट नहीं है. अगर एक प्रोसेस ब्लॉक हो जाती है तो दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगी. We can say that one process is blocked, then no other process is executed. लेकिन thread के केस में क्या होता है, अपोजिट होता है. One thread can read, write or change the data of other threads. Next are the threads, mainly दो type के होते हैं, user level thread और kernel level thread. यूजर लेवल थ्रेड क्या होता है, मैनेज्ड बाय लाइब्रेरी लेवल, यूजर लेवल लाइब्रेरी. ये क्वेश्चन आता है गेट के अंदर कि यूजर लेवल थ्रेड मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम या यूजर लेवल लाइब्रेरी या फिर कैश लाइब्रेरी, जो भी है, चार ऑप्शन दिए होते हैं. तो यूजर लेवल थ्रेड मैनेज्ड बाय यूजर लेवल लाइब्रेरी. लेकिन जो कर्नल लेवल थ्रेड होता है वो मैनेज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा. यूजर लेवल थ्रेड फास्टर होता है, कर्नल लेवल थ्रेड एज कंपेयर टू यूजर लेवल स्लो होता है.
कंटेक्स्ट स्विचिंग यूजर लेवल के अंदर क्या होती है, फास्टर होती है, लेकिन कर्नल लेवल के अंदर भी कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है, स्लोअर होती है। नेक्स्ट आता है प्रोसेस। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है हर बार, चाहे वो नेट का एग्जाम हो चाहे गेट का एग्जाम। तो मेनली फर्स्ट थिंग तो ये कि प्रोसेस फाइव होती हैं। कौन कौन सी स्टेट ऑफ प्रोसेस फाइव होती हैं? न्यू, रेडी, वेटिंग, एग्जीक्यूटिंग और टर्मिनेटिंग। ये फाइव स्टेट होती हैं प्रोसेस की। जैसे ही न्यू से रेडी पे गई वो प्रोसेस कहलाती है एडमिटेड, और इसको हम बोल देते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, कंट्रोल करता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट आता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से व्हाट इज कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज आल्सो कॉल्ड सीपीयू शेड्यूलर। फिर आता है एग्जीक्यूटिंग। रेडी से अगर कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट में जा रहा है तो मतलब काम कंप्लीट हो गया और वो एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। लेकिन अगर कोई इंटरप्ट अक्कर हो जाता है तो क्या होगा, वो वेटिंग में जाएगा, और जैसे ही उसका काम ख़त्म हो जाएगा, जैसे ही सीपीयू फ्री हो जाएगा, तो वो वापस रेडी में डाल के फिर से एग्जीक्यूट कर देगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एंड सीपीयू शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर आल्सो कॉल्ड जॉब शेड्यूलर, और सीपीयू शेड्यूलर आल्सो नोन एज शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक आता है हमारे पास मीडियम शेड्यूलर। मीडियम शेड्यूलर को हम बोलते हैं स्वैपिंग और स्वैप आउट शेड्यूलर। स्वैप इन यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से डाटा को प्राइमरी मेमोरी के अंदर लेके आना, दैट इज कॉल्ड स्वैपिंग, और प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में डाटा को लेके जाना वो कहलाता है स्वैप आउट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी स्टेट होती हैं। पांच स्टेज होती हैं, कौन कौन सी, न्यू, रेडी, एग्जीक्यूट, वेट और टर्मिनेट। लॉन्ग टर्म का काम क्या होता है, कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर कोई और प्रॉब्लम है या आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर दीजिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि कैसे आपको लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स तैयार करने हैं। बाकी ये देख लीजिए, ये पूरा पेज है, आप अपने नोट्स यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। इस पेज से हर बार दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप करते रहिए। यूजर लेवल और कर्नल लेवल के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, फिर प्रोसेस और थ्रेड के बारे में पूछ लिया जाता है, या फिर पूछ लिया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। एक ऑप्शन दिए जाते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।